हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली की शेप है, एक स्क्वायर जैसी शेप यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो यहाँ पर शो करती है काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और जो फिंगर्स का यहाँ पर साइज़ है वो थोड़ा शॉर्ट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं फिंगर्स जो साइज़ है फिंगर्स का, वो यहाँ पर इनकी हथेली के मुकाबले, अगर हम इनकी मध्य जो मिडल फिंगर है उसको चेक करें, तो हथेली की लंबाई के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, जो शो करती है थोड़ी जल्दबाज नेचर को। थोड़ी सी जल्दबाजी या कर सकते हैं डिसीजंस लेने में, तो यह थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव इनकी डिसीजंस पे रह सकता है इसकी वजह से। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है इनकी फिंगर्स से और इनकी हैंड लाइन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लेंथ है उसमें सूर्य फिंगर की और गुरु फिंगर की जो लेंथ है लगभग एक समान दिखाई दे रही है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस दोनों फिंगर्स में नहीं है यहाँ पर, जो शो करती हैं कि काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहेंगी और काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी रहेंगी। और साथ ही साथ मर्करी फिंगर की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है, जो यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, जो शो करती है काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेन को। उसके साथ साथ शनि फिंगर की लेंथ और थिकनेस यहाँ पर इनको हार्ड वर्किंग नेचर की पर्सनालिटी के रूप में दिखला रही है। और फिंगर्स लगभग सभी फिंगर्स यहाँ पर थिक हैं, जो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना शो कर रही हैं। कुछ गैप्स नज़र आ रहे हैं फिंगर्स के बीच में, जो यहाँ पर थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को भी यहाँ पर शो करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में जो यहाँ पर थोड़े से गैप्स हैं, यह इनको थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी दे सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर कोई भी ज़्यादा नेगेटिव थिंग नहीं है, काफ़ी पॉजिटिव जो फिंगर्स से हमें रिजल्ट है वो दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं सेटिंग को, उसके बाद माउंट्स की सेटिंग देखने के बाद चेक करेंगे लाइंस को भी। तो यहाँ पर अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ फिंगर्स को चेक करने के लिए, तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर है मर्करी वो लो सेट हो रही है, जो इन्हें थोड़ी सी शाई नेचर दे सकती है। अदरवाइज बाकी के फिंगर्स में कोई भी माउंट लो सेट नहीं है, सभी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी सेटिंग में हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस माउंट्स को मिल पा रही है, जो एक बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह है। अगर जो स्पेस है माउंट्स को अच्छी मिल रही हो, तो मर्करी का लो सेट होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर मन में रहता है, थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है, अनजान लोगों के साथ बात करते वक्त हेजिटेशन होना और थोड़ी सी झिझक रहना, ऐसे चांसेस रहते हैं मर्करी के लो सेट होने की वजह से। अदरवाइज़ इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो फिंगर है मर्करी फिंगर, उसकी लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे देखते हैं वन बाई वन सभी माउंट्स को और लाइंस को क्या क्या इनके बारे में इंडिकेशन देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, कोई भी नेगेटिव चिन्ह मुझे इनके बृहस्पति माउंट के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, जो एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है इनकी लाइफ के बारे में। अगर हम बृहस्पति और शनि दोनों माउंट्स को कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली शनि माउंट थोड़ा सा दबता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर बृहस्पति माउंट काफ़ी उभरा हुआ है, जो यहाँ पर इनकी जो स्पिरिचुअल नेचर को बढ़ावा देगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगी और साथ ही साथ फैमिली की तरफ से सुख मिलते हैं अगर बृहस्पति माउंट अच्छा हो। लेकिन शनि माउंट का फ्लैट होना यहाँ पर स्ट्रगल को बढ़ाता है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन फेट है काफी अच्छी चलती हुई 36 की एज तक, आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर इनकी जो लाइन है शुक्र एरिया की तरफ से बढ़ती हुई कुछ इस तरह से आगे की तरफ चलती हुई, जो यहाँ पर एक घुमावदार लाइन शो करती है कि फैमिली की अच्छी सपोर्ट रहेगी इनको, वेल टू डू फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे और लगभग 36 की एज तक यह जो इनकी कंफर्ट्स हैं ये बनी रहेंगी
और इस एज तक यह बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो इनकी फेट लाइन है थोड़ी सी डिम हो रही है, जो यहाँ पर स्ट्रगल को शो करती है। क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शनि रेखा है इनकी लगभग 36 के आसपास की एज से थोड़ी सी वीक होती हुई जो शो करती है किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल दिक्कत को, या किसी जो बिजनेस में कुछ चेंज या अप्स एंड डाउन्स रहते हैं उस तरह की सिचुएशन यहाँ पर 36 के आसपास की एज में आती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, तो लगभग यहाँ पर 36 की एज बनती है। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो यहाँ से लाइन दोबारा से कंटिन्यू होती हुई और ओवरलैप होकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, तो जो यह 2 से 3 साल का समय रहेगा, लगभग 36 से लेकर 39 तक का यह समय थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल रह सकता है। लेकिन आगे की एज जो है फिर से कंफर्टेबल होती हुई और काफ़ी प्रोग्रेस लाइफ में रहेगी। स्ट्रगल जो यहाँ पर लाइंस में ब्रेक्स आ रही हैं, यह स्ट्रगल को शो करती हैं, यह मेहनत को शो करती हैं। काफ़ी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। अगर फेट लाइन में कहीं पर भी कोई ब्रेक हो या फेट लाइन कहीं से भी डिम हो रही हो, तो उन एजेस में व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसका मीनिंग यह नहीं होता कि उस एजेस में पैसा नहीं आता, इनकम व्यक्ति की अच्छी रह सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है उस एज में। तो ओवरऑल यहाँ पर शनि का फ्लैट होना और फेट लाइन में हल्का सा फेट लाइन का वीक होना कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनको दे सकता है और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट भी शनि माउंट की तरह ही दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा उभरा हुआ सूर्य माउंट नहीं है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक पॉलिटिकल फेम के लिए और अच्छी सोशल सर्कल के लिए सूर्य रेखा, कुछ इस तरह की सूर्य रेखा नॉर्मली होती है, तो इस तरह की सूर्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा का ना होना शो करता है कि यश की कमी रहेगी लाइफ में। बहुत ज़्यादा फेम यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, एक एवरेज लेवल का फेम इनको लाइफ में मिल सकता है। आगे आप देख सकते हैं लो सेट होता हो मरकरी, जिसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, सिर्फ लो सेट होने से थोड़ी शाइनेस रह सकती है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मरकरी फिंगर अच्छी है तो बिजनेस में यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं इनकी मेजर लाइंस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई और हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ती हुई, कुछ इस तरह की लाइन इनकी हार्ट की जो थोड़ी अग्रेसिव नेचर को शो करती है। यह जो एरिया रहता है मंगल का, तो मंगल का जो एरिया है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है और उसकी तरफ इस लाइन का मुड़ना यहाँ पर शो करता है थोड़ी सी अग्रेसिव नेचर को। तो उसके साथ साथ इस लाइन का बृहस्पति माउंट तक पहुँचना, यह जो एरिया रहता है बृहस्पति माउंट का एरिया रहता है, तो आप देख सकते हैं हल्का टच हो रही है यह लाइन बृहस्पति एरिया के साथ कुछ यहाँ तक पहुँचती हुई, जो इनको लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी बनाएगा। अगर पूरी तरह से ये बृहस्पति पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति काफ़ी आदर्शवादी और धार्मिक भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अग्रेसिव नेचर तो रहेगी, साथ ही साथ लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की नेचर भी रहने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ हल्की लाइन्स का नीचे की तरफ चलना, इमोशनल सेटबैक्स इनको दिलवा सकता है लाइफ में। थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर रहेगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि लाइन जो है यह बिल्कुल सीधी है, जो एक प्रैक्टिकल टाइप की नेचर व्यक्ति को देती है। तो एट टाइम्स यह इमोशनल हाउस हो सकते हैं, लेकिन वो इमोशंस ज़्यादा देर नहीं रहेंगे और यह प्रैक्टिकली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इस तरह की लाइन होने की वजह से। तो आगे देख सकते हैं इनकी माइंड की लाइन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलती हुई और कुछ हल्का सा नीचे की तरफ झुकाव इनकी माइंड की लाइन का, जो इनको काल्पनिक शक्ति देता है, कल्पनाशीलता जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इस लाइन का नीचे चंद्रमा एरिया की तरफ बढ़ना व्यक्ति को थोड़ा सा
इमेजिनेटिव नेचर का बनाता है। तो इमेजिनेशन ज़्यादा रहेंगी, कल्पनाएं भी काफ़ी अधिक ये कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लाइन काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पर आकर लगभग जो इनकी एज रहेगी 50s के आसपास, उसके बाद थोड़ी सी वीक हो रही है लाइन, जो यहाँ पर आकर मेमोरी के वीक होने का भी संकेत है। अदरवाइज़ काफ़ी शार्प मेमोरी रहने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रांग मंगल रेखा, जो व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रांग बिल्ट का तो बनाती ही है, साथ ही साथ यह रेखा शो करती है कि काफ़ी अच्छी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिल सकती है, ज़मीन जायदाद मिल सकती है, और या फिर ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी ज़मीन जायदाद बना लेते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि के कारक हैं और मंगल रेखा का हाथ में होना व्यक्ति को ज़मीन का सुख देता है और अच्छी प्रॉपर्टीज़ व्यक्ति की लाइफ में ज़रूर बनती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इनका मंगल स्ट्रांग है, मंगल रेखा यहाँ पर मौजूद है। आगे देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन जो यहाँ पर थोड़ा सा बाहर की तरफ चलती हुई, जो घर से दूर इनको सेटल करवा सकती है और या लंबा समय या घर से दूर कहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक रेखा बाहर की तरफ निकलती हुई जो शो करती है फॉरेन ट्रैवलिंग को, फॉरेन किसी फॉरेन कंट्री में लॉन्ग स्टे को भी, और उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा का होना और इस लंबाई में होना लगभग 75 से 80 तक की एज को शो करता है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ, जो अभी तक जो डेवलप्ड लाइन है ये अप्रॉक्सीमेट 75 से लेकर 80 तक की एज को यहाँ पर शो कर रही है, और इसके आगे भी एज बढ़ सकती है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमारी लाइन्स हैं वो चेंज होती हैं। तो यहाँ पर अगर यह लाइन और आगे की तरफ बढ़ती है तो एज जो है इनकी और ज़्यादा हो सकती है। शुक्र का एरिया काफ़ी अच्छा है, जो यहाँ पर इनको हर तरह की सुख सुविधाएं देने वाला है। इवन चंद्रमा का एरिया भी मुझे यहाँ पर काफ़ी डेवलप नज़र आ रहा है, जो एक स्ट्रांग माइंड को की इंडिकेशन देता है, और काफ़ी अच्छी मेमोरी भी यहाँ पर इनकी माइंड लाइन से मैं देख पा रहा हूँ। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनकी हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।